ब्लिंक कर रहा है पेप्सी वो टाइप है कोई इसका जो नीचे वाला इसका ओके खुली का दिखा दो इनको जो कि ऊपर प्रिंटेड 2017 का ही है और ऊपर 18 चल रहा है तो हम मानते हैं कि ये साथ में पॉलिथीन भी जब्त किया तो ड्राइवर को बचाने का समय इस वक्त तो यार ये इसका अपनी को पता चलो आ गए कैरी बैग है ना कैरी बैग तो आती ही नहीं है ना उसमें आप ये माल माल निकाल आज चिकित्सा विभाग मिलावट के लिए कार्यक्रम चला रहा था हम शुद्ध के लिए युद्ध कार्यक्रम में हम बाड़मेर शहर में घूम रहे थे तभी अचानक हम तरुण एजेंसी पर गए हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर पहले इनकी दुकान पर गए और मालूम पड़ा कि इनका एजेंसी वो बड़ा सा स्टोर भी है तो ये गोदाम में हम आए तो गोदाम को देखने पर ये पाया गया कि खूब सारा पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिसको अपन पेप्सी वगैरह मार्का दूसरा है वो और साथ में अन्य कई तरह के आइटम पाए गए जो जिसपे कहीं पर भी तारीख भी नहीं लिखी हुई है ना बैच नंबर लिखे हुए हैं इससे अगर ये जनता में जाता तो काफ़ी स्वास्थ्य का नुकसान हो सकता था तो हमने अभी इनको सारे को सील कर दिया इनको नष्टीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं और जरूरत के अनुसार सैंपलिंग भी की है और इनके साथ साथ जब हम पर्यावरण को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं और पॉलीथीन मुक्त बाड़मेर करना चाह रहे हैं जैसा कि अपने कलेक्टर साहब की इच्छा भी है और अभी 5 तारीख रैली भी हुई थी तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में पॉलीथीन भी जब्त किया है हमारे नगर परिषद की टीम भी साथ में है वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और यह बहुत बड़ा जो खाद्य पदार्थों को जो FSSAI के नॉर्म्स के अनुसार हमें ऐसा लगता है एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ भी मिले हैं उनको हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिले खाद्य पदार्थ जैसे आप नमकीन है कुरकुरे टाइप है ये पेप्सी टाइप है और जो भी छोटे छोटे बच्चों के जो खाते हैं तो उसको हम अभी नगर परिषद से ट्रैक्टर बुलवाया है और उसको नष्टीकरण की कार्रवाई करेंगे कितनी मात्रा में मिले मात्रा तो मैं देखा जाए पूरा गोदाम आपके सामने आप देख ही रहे पूरा भरा पड़ा है और पेप्सी का तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक ट्रैक्टर भरा जा सकता है इन सभी का हम नष्टीकरण करेंगे ताकि आगे भी जनता में नहीं जाए और उनको स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होगा ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी ये कार्रवाई जैसे जैसे अगर कोई जनता के माध्यम से भी हमें शिकायतें मिलती है तो भी हम कार्रवाई करते हैं और हमारे विभाग के द्वारा भी हम ये कार्रवाई सतत प्रक्रिया रहेगी साथ में हम
और शुद्ध के लिए युद्ध भी स्टार्ट करें, जिसमें हम पब्लिक को ये जागरूक करेंगे कि आप अपने घर के जो मसाले हैं, दूध है, दही है, उसमें मिलावट को कैसे रोक सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो अपने घर पे भी अपन उस जांच कर सकते हैं। तो वो भी हम बाड़मेर, बलोत्रा और जो बड़े कस्बे हैं उसमें हम कर रहे हैं। हमारा एम जनता को तकलीफ दे या दुकानदारों को तकलीफ देना नहीं है, परंतु हम जागरूक करना चाह रहे हैं कि आपके जो दूध, दही या नमकीन या आइसक्रीम में मिलावट हो रही है, आप घर बैठे स्टार्च की जांच कर सकते हो, घर बैठे दूध में कास्टिक सोडा की जांच कर सकते हो, घर बैठे आप शहद की जांच कर सकते हो। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में जरूरी भी नहीं आना, वो हम आगे आने वाले टाइम में हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे। हमने चरणबद्ध कार्यक्रम कर दिया गया है, और उसके साथ साथ जैसा कि हमारे FSSAI ने फूड सेफ्टी एक्ट में ये कहा है कि हम जो ये रिटेलर्स है उनको रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाया जाए, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो उसको आप जो भी किराना की दुकान हो या और कोई छोटे दुकानदार हो, रेडी वाले हो, उन सभी को फूड सेफ्टी एक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जागरूकता बढ़ाए, उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ाए। नगर परिषद और सीमित ऑफिस ने दोनों साथ में मिलकर किए, हमारा विभाग पहले आया था, फिर चूंकि हमें ये मालूम लगा कि पॉलिथीन है, नगर परिषद का भी मामला बनता है, तो हमने इन साथियों को बुला दिया, ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।